बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कैपिटल व्यू, मैं हूं सैयद आसिम रज़ा। नाज़रीन, प्रोग्राम में हम बात करते हैं मुख्तलिफ मौज़ूआत के हवाले से, ज़िंदगी के मुख्तलिफ सेगमेंट्स को हम डिस्कस करते हैं, करंट इशूज़, करंट अफेयर्स की बात की जाती है, माशरे की बात की जाती है, सोशल इशूज़ की बात की जाती है, और कहीं जहाँ पर इंसाफ की बात ना हो रही हो वहाँ पर इंसाफ के लिए आवाज़ उठाई जाती है। लेकिन साथ साथ माशरे के अंदर जन्म लेने वाली बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो बिल्कुल माशरे का फैब्रिक या हमारा जो एक कल्चरल सिस्टम होता है उससे बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आती है। आजकल जब हम मीडिया की बात करते हैं, तो जब हम अपने एरा की बात करें या उससे पहले अदवार की बात करें, तो उसके अंदर जो एक नई डायमेंशन हमें नज़र आ रही हैं, जिसमें सोशल मीडिया, जिसको बहुत ज़्यादा कसूरवार भी ठहराया जा रहा है इस वक्त एक ज़हनी तनाव के हवाले से, और दूसरा इखलाकी बिगाड़ की भी बात की जाती है, कहीं पे सुधार की भी बात होती है, लेकिन जो सोशल मीडिया इस वक्त हाइप ले चुका है, उसके अंदर जो स्टार्स हैं ख़ास तौर पे हमारे सोशल मीडिया के, उनके हवाले से बात की जाती। कहा जाता है कि जितनी ज़्यादा कंट्रोवर्शल वीडियो होगी और जितनी कंट्रोवर्सी होगी उतनी उसको ज़्यादा पसंद किया जाता है या उसकी लाइक्स ज़्यादा हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर फिनोमेना नहीं है, ये पूरी दुनिया में इस वक्त एक, जिसे कह सकते हैं कि नया सोशल फैब्रिक बन चुका है। पाकिस्तान के अंदर टिकटॉक कभी कहा जाता है बंद की जाए, कभी कहा जाता है खोल दी जाए, नौजवानों की जानें जा रही हैं। गुज़िश्ता दिनों एक फुटेज हमने देखी जहाँ पर टिकटॉकर जो था वो टिकटॉक बना रहा है और पीछे से ट्रेन, उसको आइडिया नहीं होता, वो हिट होती है और वो अपनी जान दे देता है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं कराची में एक टिकटॉकर को जिस तरह मर्डर किया गया, जिसका अभी तक मामला हल नहीं हुआ, मुस्कान की बात की जा रही है, इसमें बुराई क्या है, इसमें अच्छाई क्या है, और क्या आज का नौजवान जो लाखों की तादाद में टिकटॉकर्स जो स्टार्स हैं उनको फॉलो कर रहे हैं, उसके पीछे कहानियां क्या हैं, जितनी कंट्रोवर्सीज आती हैं क्या ये सही है, इसके ऊपर बात की जाएगी। आज हमारे टिकटॉकर स्टार्स हमारे साथ मौजूद हैं, मैं तारुफ कराता चलूँ। सबसे पहले हमारे साथ हैं डीजे आदिल, आपको हम खुश आमदीद कहते हैं, आप टिकटॉकर स्टार हैं। उनके साथ हैं जी संदल खटक, कौन वाकिफ़ नहीं है आपसे जी, हमारी उभरती हुई नौजवान जिसे कह सकते हैं टिकटॉक स्टार। जेरी हमारे साथ हैं, मिस्टर जेरी, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं, एवरीबॉडी नोज हिम, क्योंकि सोशल मीडिया के ये स्टार जो हैं ये आजकल के हमारे मकबूल तरीन आर्टिस्ट या स्टार से कम नहीं हैं। लेकिन जो कंट्रोवर्सीज हैं और सोशल फैब्रिक की जो बात की जा रही है उसके ऊपर हम आज बात करना चाहेंगे। सबसे पहले आदिल, आप ये बताइए, ये टिकटॉक का जुनून क्या है और इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल होने के बावजूद भी लोगों में पजीराई क्यों है, लोग इसको बुरा भी समझते हैं, लेकिन एक ये जिसे कहते हैं ना कि एक सिलसिला ऐसा है जो लाम उतना ही, इन्फिनिटी, स्काई इज़ द लिमिट, ये क्यों बन गया है? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच, बड़ा ज़बरदस्त मज़े का सवाल है और इसका बड़ा मज़े का जवाब है। आज आप देखें, अगर हम अपने बचपन की बात करें तो 8 बजे का जो प्राइम टाइम था वो हमारा एंटरटेनमेंट का प्राइम टाइम था। आज वो प्राइम टाइम ले लिया है किसने? एंकर्स ने। वहाँ एंटरटेनमेंट नहीं है। तो मुझे सिर्फ ये बताइए कि वो आवाम जो एंटरटेनमेंट चाह रही है वो एंटरटेनमेंट कहाँ पर है? यू थिंक दिस इज अ रिएक्शन? यस यस यस, यू कैन से दैट। तो मतलब जितने भी हमारे करंट अफेयर्स के जो होस्ट हैं और जितना भी ये सिलसिला है, ये उससे निकल के नौजवानों ने अपने लिए एक राह ढूंढ लिया। आपके पास आज टाइम ही नहीं है टेलीविजन को ऑन करने का, वन पॉइंट, आपको 15 सेकंड के अंदर एंटरटेनमेंट मिल रही है और वो भी चलते फिरते, और आपने करना भी कुछ नहीं है, बेड पे बैठे हैं, बस यूं करें यूं करें और आप अपनी मर्जी की चीज़ें देखें। ये सिंपल सा मेथड है इसका। संदल आप क्या कहेंगी? मैं संदल की तरफ जाऊंगा, मैं कुछ पहले इसके रिस्पांस लेना चाह रहा हूँ। आप समझती ये ठीक कह रहे हैं आदिल, या इसके पीछे और कहानी भी है, इसके पीछे मोनेटाइजेशन भी है, पैसा भी है? इसके पीछे बहुत कुछ है, टिकटॉक के पीछे। देखिए, एक तो घर बैठे बिठाए आपको हंस लेते हैं, बहुत सी आपको टिप्स मिल जाती हैं, बहुत से आपको काम ऐसे मिल जाते हैं, पता चल जाता है, इन्फॉर्मेशन मिलती है इस चीज़ से। अब ये तो तरीका आप पर डिपेंड करता है कि आपको इस चीज़ को किस तरह यूज़ करते हो, अच्छे वे में यूज़ करते हो, बुरे वे में यूज़ करते हो। अभी तो जो हो रहा है वो अच्छे वे में हो रहा है। देखिए, हर इंसान पर डिपेंड करता है कि वो क्या कर रहा है। हर बंदा मुफ्ती कवि नहीं होता ना। हाँ, हर तो बंदा मुफ्ती कवि नहीं। मैं वही कह रहा हूँ ना कि क्या ये ठीक हो रहा है। देखिए, ये तो अभी आप देखो, ये बैठे हुए आपकी जॉब, आप यहाँ पे कर रहे हो ना जॉब, अपना काम कर रहे हो, अब यहाँ पर आप बैठ के ढोल बाजा शुरू कर दो, ये भी ये तो चीज़ नहीं है ना। अब टिकटॉक आपको दिया गया, एक प्लेटफॉर्म दिया गया कि आप इसको यूज़ करो, आप इसको अच्छे से यूज़ करो ना। देखिए, बात ये आती है कि जहाँ तक अपनी ज़ात तक चीज़ रहे ना, वो तो अच्छी लगती है। जब अच्छा। आपकी ज़ात से निकल के किसी की रेपुटेशन पे, आपकी परफॉर्मेंस या आपकी पजीराई किसी की रेपुटेशन के कम्प्रोमाइज़ करके बने, तो क्या आप उसको ठीक समझते हो?
किसकी हुई है अब तक? नहीं, बात मैं कह रहा हूँ जितनी भी कंट्रोवर्सीज आ रही हैं, जैसे मुफ्ती कवि का साथ हो रहा है, तो सिर्फ ये टिकटॉक पे ही हो रहा है? ये तो हर जगह यूट्यूब पे भी होता है, किसी भी सोशल ऐप पे ना? नहीं, तो गाइस से नहीं हुई, सोशल ऐप पे जितने भी ऐप है, बल्कि सोशल ऐप तो छोड़ो, हमारे पाकिस्तान में ये चीज हो रही है। सोशल ऐप ना भी हो तो पाकिस्तान में नहीं होता। मोटरवे पे जो केस हुआ था, क्या उधर वो टिकटॉक चल रहा था? समझती है माशरती बिगाड़, अगर माशरती बिगाड़ किसी जगह, अगर एक कवर्ड उसमें चल रहा है तो हम उसका इश्तिहार लगा दें? नहीं, देखो ये तो मैं कहती हूँ इंसान के अपने आप में होता है ना कि वो इस चीज को रोके। That's what I'm asking, कि यही मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। अब मुबशिर लुकमान है, वो कहते हैं कि जी हमारा जहाज था, आप लोगों था, हाँ, चीजें ले गए। शापर, वो एक शापर एंकर है, झूठा है, मुनाफिक है। मैं उसके लिए, मेरे पास अल्फाज नहीं है कहने के लिए यहाँ पर। देखिए कंट्रोवर्सीज है ना, देखिए वो भी हमारे, और वो भी झूठा था। मेरी बात सुने, कंट्रोवर्सीज है, मेरी बात सुने, जो भी है उसने झूठे इल्जामात लगाए, वो सारे उस पर झूठे साबित हो गए, सारे आए भी हैं, सब चैनल्स वालों ने करार दिया, अदालत से भी आया कि वो सब झूठे इल्जामात थे। तो अब उस एंकर में, उस शापर में, उस मुनाफिक में क्या रह गया? जेरी, व्हाट डू यू थिंक, आप क्या समझते हैं? माशाल्लाह आप लोग अच्छी फैमिली से हैं, फैमिली रिस्पॉन्स क्या होता है सबसे पहले तो मैं ये पूछूंगा। मतलब हम तो जिस फैमिली में और जिस तरह हम देखते हैं, अपनी हद तक कर लें तो ठीक होता है, लेकिन जब आप कंट्रोवर्सीज का शिकार होते हैं तो आपके ऊपर फैमिली प्रेशर्स भी बहुत आते हैं। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि सिर्फ ये टिकटॉक को क्यों यानी बदनाम करने की कोशिश करते हैं? यूट्यूब भी है, वहाँ क्यों लोग नहीं जा रहे? यानी वहाँ लोग, दे आर लिंक्ड। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यहीं से फिर यूट्यूब बनता है और यहीं से फॉलोइंग होती है, फिर मोनेटाइजेशन होती है। ये गेम क्या है, मैं यही पूछना चाह रहा हूँ। बात असल, सबसे ज्यादा फेम टिकटॉक पे आजकल चल रहा है ना, क्यों वजह? तो वही सिंपल आंसर, मौला जट की फिल्में आप समझते हैं कि जो सियासी सर्कस लगा हुआ है, जो जल्दी फिल्म जल्दी खत्म हो जाती है, खत्म होती है, तो दो मिनट में खत्म होती है ना, इस वजह से यूट्यूब पे 10 मिनट 12 मिनट लोग बोर हो जाते हैं। हमारा 15 सेकंड में देखो, हम लोग ने एक दुनिया को इकट्ठा कर लिया। अगर आपको यानी टिकटॉक से हमें 11 मिलियन 10 मिलियन लोग देख सकते हैं तो हमें क्या जरूरत है हम यूट्यूब पे जाए? हम इधर एंजॉय कर रहे हैं, हमें क्या फायदा, हम कर रहे हैं। लेकिन जारी लोगों की जाने भी जा रही हैं, बच्चों तो यार की लोग जाने तो वैसे भी जा रही हैं। छोटी सी बात, हर इंसान एक जैसा नहीं होता, हर इंसान एक जैसा नहीं होता। हम कर रहे हैं, हम ठीक है ना, उनका अपना मर्जी है। अभी एक इंसान को तो हम वो तो नहीं कर किसी सकते, किसी को आप बाउंड नहीं कर सकते। सिंपल सा इसका आंसर है कि लोगों की जाने जा रही है। ओके, टिकटॉक पे लोग वीडियोस बनाते हैं, उसकी जान चली जाती है। पहले एक आया था पबजी से लोगों की जाने जा रही है, ठीक, कोई पागल है बड़ा पबजी पे करेगा, पबजी से किसकी जान जाती है? ये तो वैसे ही सोशल मीडिया को अच्छा, डाल दिया है। मुझे नहीं इंतशार, देखें आप अगर साइंटिफिकली इसको बात करें संदल, अच्छा, तो आपके पास एक एक हिजान जब बरपा होता है, आप एक चीज से जब इन्फ्लुएंस्ड होते हैं और आपकी चीज पे वो हावी हो जाए तो वो करेक्टर चले मैं ठीक है, मैं मान लेती हूँ। सोशल ऐप, आप लोग कहते हैं सोशल ऐप वायलेंस आता है उसके अंदर, चले ठीक है, ये सब चीज खत्म हो जाएगी। फिर तो न्यूज चैनल भी बंद होने चाहिए, क्योंकि न्यूज वाले भी जो कर रहे हैं वो भी ठीक नहीं कर रहे। कभी माइक लेके एक तरफ जा रहे हैं, कभी दूसरी तरफ जा रहे हैं, वो भी तो गलत नहीं कर रहे ना, इन्फॉर्मेशन ला रहे हैं, लोगों को देने के लिए इन्फॉर्मेशन ला रहे हैं ना। तो आप समझते हैं तो ये सब, मैं तो फिर अगर गलत हो रहा है तो ये जो हो रहा है ये भी ठीक हो रहा है, और ये अगर गलत बोला जा रहा है तो सब कुछ हर चीज में टिकटॉक क्यों यानी ये लोग वो करते हैं, यूट्यूब पे क्यों नहीं यानी बात करते? टिकटॉक आजकल ट्रेंड चल रहा है, यूट्यूब की एसओपीज हैं, हमारे नाम की वजह से फेम ले रहे, वाई हम क्या गलती की है? हम लोग तो अपने एंजॉय कर रहे हैं ना, फेम यार, तो उनकी वजह से हमारा नाम चल रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल पिछले सवाल पे आता हूँ, आपने अभी आपने कहा कि टिकटॉक की वजह से हम बात हो रही है, ओके, मोटरवे पे रोज एक्सीडेंट होता है, बट स्पीडिंग की वजह से मोटरवे बंद कर दें, इसमें टिकटॉक क्यों आता है? इसमें आपको एक एंटरटेनमेंट दी हुई है किसी और मुल्क ने, चाइना की ऐप है। चाइना अगर अपने मुल्क को दे रहा है एंटरटेनमेंट, व्हाई नॉट पाकिस्तान? और देखें जब सोशल फैब्रिक की बात आती है आदिल, मैं ओपनली बात करूंगा आप लोगों से, एक एक डिसेंसी या एक सोशल फैब्रिक का मैंने ओपन में जिक्र किया, आपके फहाशी के ऊपर भी इल्जाम आ रहा है कि इसके अंदर लोग एक्सट्रीम में अपने व्यूअर गेन करने के लिए आप छोटे बच्चे को गोद में बिठाकर वीडियो नहीं बना सकते। मेरी बात सुने सर, फाशी अलाउ नहीं टिकटॉक पे, आपको गलत थोड़ा सा नजर आया, टिकटॉक आईडी, वो आईडी बैन कर आईडी बैन आईडी चाहे वो 10 मिलियन की क्यों नहीं। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स,
लाजमी नहीं है लाजमी नहीं है कि आप उसमें अपने आप को एक्सपोज करें, लेकिन जो आपके एक्शंस होते हैं, जो लैंग्वेज इस्तेमाल होती है, जो जेस्चर्स आप लोग देते हो, अभी जो मैं बात करने वाला हूं, क्या आप फैमिली के साथ देख सकते हो? मैं आपको इसका एक और आंसर देता हूं। ट्विटर पे इमरान खान साहब मौजूद है, ट्विटर पर बड़े से बड़ा स्टार मौजूद है, बड़े से बड़ा क्रिकेटर मौजूद है, बड़े से बड़ा पॉलिटिशियन मौजूद है, आपको सबसे ज्यादा वीडियोस करते हैं ना आप, देखो तो हमारा कौन सा ऐसा शो है जो कि गालम गलोच को प्रमोट करे, तो एसओपीज कहां है? इवन पार्लियामेंट हाउस के अंदर जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर भी हम मुजम्मत करते हैं। अच्छा, आपको यासिम भाई, अगर मैं छोटी सी बात करूं, यहां आपको ये नहीं लगता कि अगर गवर्नमेंट बंद करती है टिकटॉक को, तो टिकटॉक एक बहुत बड़ी ऐप है जिस पर मिलियंस व्यूज मिलते हैं, अगर हो गया तो उनकी बल्ले बल्ले नहीं होगी फिर? मैं बात कर रहा हूं, तो क्या ऐसा नहीं हो रहा है? इसमें चल हमारा एक नाम बन चुका है, हम दूसरी ऐप चले कौन रोक सकता है? हमें कोई रोक सकता है? नहीं, हम तो ऐप चले जा रहे हैं, हम तो मां बाप भी नहीं रोक सकते। मां बाप रोक सकते नहीं, मां बाप रोक सकते हैं, छोटा मास्किंग क्या वो हम नहीं कर रहे, मगर हम तो गलत नहीं कर रहे, हमारा आप बताएं एक चीज तो मुझे बता देना, टिकटॉक पे गलत क्या हो रहा है, आप एक चीज भी दिखाएं। आप मुझे ये बताइए कि जो कुछ कंट्रोवर्सीज आप लोगों के बारे में, आपके बारे में या आपके बारे में बनती हैं, आप फैमिली को अगर नजर आती हैं, तो आपको रोकने के लिए भाई मेरी बात सुने, सोशल मीडिया था या नहीं था, हम घर में बैठे होते हैं, कोई बुरके में लड़की भी बैठी हो ना, तो ये हमारी आवाम जो है नहीं छोड़ती, लड़की को घर में भी नहीं छोड़ती, चाहे वो बुरके में है चाहे वो बुरके में नहीं है। इसका इलाज ये नहीं है कि सोशल ऐप्स बंद कर दी जाए। अच्छा, मैं एक सवाल करता हूँ, पॉलिटिशियंस हैं, सेलिब्रिटीज हैं, हर जगह एक्सेस मिल जाना, ये क्या कमाल है? क्या मतलब एक्सेस मिल जाना? आपकी जिनके साथ वीडियोस हैं या वायरल होते हैं, आप नहीं जाते ना, वो नहीं टाइम देते, आप लोगों को कैसे मिल जाते हैं? ये सब हमारे कुछ किस्मत ही है कि हम जा सकते हैं, हमें लोग प्यार करते हैं, हमें लोग प्यार करते हैं, हम लोग आते हैं, टिकटॉक पे फेमस है इस वजह से, ये हमारी गलती है, जैसे यहाँ बैठे हुए। ये मतलब ये है कि आप टिकटॉक बनाएं और उसके बाद आपकी एक्सेस हर जगह हो जाएगी? नहीं नहीं, आप टिकटॉक स्टार नहीं बन है तो। ये जस्ट हम वैसी मजाक कर रहे हैं, हर बंदा जा सकता है। यस, ये आपकी पीआर है, सोशल कॉन्टेक्ट है, क्या है? कुछ भी नहीं है, जस्ट आप इजाजत। देखिए देखिए, जहां पर आप लोगों की वीडियो कंट्रोवर्शियल हुई, हरीम की हुई, आपके फॉरेन ऑफिस की वीडियोस हुई, कहीं ना कहीं से तो कोई आपको लिंक मिलता है, तो आप पहुंचते हैं, बनीगाला आप पहुंचे हुए नजर आते हैं, आप लोगों की जितनी भी वीडियोस हैं उसके अंदर कुछ तो है ना? मेरी बात सुने, आपने यहाँ पे मुझे परमिशन दी है तो मैं आज यहाँ बैठी हुई हूँ ना, वही मैं पूछना चाह रहा हूँ कि उन्होंने परमिशन दी, परमिशन मिली है तो आए ना, तो इजाजत पहले ली जाती है ना। शोर क्यों मचता है? किस शोर तो फिर बाद में मीडिया मचाती है ना, वो तो नहीं मचाते, क्यों ना मचाए? मीडिया मचाती है, वही मैं बात कर रहा हूँ, कौमी मफाद के टीआरपी, कौमी मफाद के लिए उनसे टाइम मांगे वो नहीं देते। क्यों नहीं देते? अभी मांगे, आप लेके दे दें। मैं क्यों लेके दूं? आपसे ये कह रहा हूं, आपका काम है, आप मांगेंगे, मेरा काम होगा मैं मांगूंगी। तो आपने तो टाइम ले लिया, हम तो वही पूछ रहे हैं कि आप कैसे ले लेती हैं? तो इतना मतलब हमारे सियासतदानों के पास इतना टाइम होता है कि वो आप लोगों के लिए टाइम रखते हैं, कौमी मफाद के लिए टाइम रखते हैं? नहीं, वो सबके लिए टाइम रखते हैं, सबके लिए टाइम रखते हैं, आपके लिए भी रखते हैं, मेरे लिए भी रखते हैं, हर आम इंसान के लिए रखते हैं, और ना कि हम संदल खटक बन के जाते हैं, हम एक आम इंसान बन के जाते हैं उनके पास। बस हम सिर्फ बदनाम इस वजह से हम टिकटॉक, हम बदनाम इस वजह से कि बदनाम है तो लोग ने हमें, यानी लोग कर रहे हैं ना, क्यों टिकटॉक? कौन लोग हैं? चलिए मैं अब आपसे सवाल करूंगा, कौन लोग और क्यों कर रहे हैं ये बताएं। अभी अगर आप ये समझते हैं कि आपको बदनाम किया जा रहा है, इसका जवाब कोई बंदा एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्या चीज? नहीं, उनको जवाब देने दो आदिल। अच्छा, ओके, आप बताएं, चलें। अच्छा, स्टार्ट। हम इस वजह से बदनाम है कि हम लोग को हंसाते, एक हंसाना, हाँ हम हंसाते, फन करते, इसमें एंटरटेनमेंट भी है, इसके अंदर फन भी है, उससे बढ़ गए आप लोग जी, ये इल्जाम है आप लोगों क्या को? बढ़ गया है, जब प्लेस फिल्मों के अंदर ऐसी कोई चीज आती है ना, उस पे भी ऑब्जेक्शन होती है, प्रूफ होते हैं ना, प्रूफ तो देखा है ना, क्या टिकटॉक खोलेंगे आपके सामने, तो सर फन वीडियो लोग अब सबसे, आप रिप्रेजेंट करें ना, मैं तो ऑन बिहाफ ऑफ एवरी टिकटॉकर आप लोगों से बात कर रहा हूँ। देखिये, ये हर घर का, तो फिर आप कंडेम करें ना उसको, हर घर का अपना मसला है संदल, मैं हर घर हर बंदे की सोच नहीं बदल सकते हम लोग, नहीं करें उसको, आप इस चीज़ पे आप टिकटॉक को तो ब्लेम नहीं कर सकते ना, इसी में आवाम को ब्लेम करें ना, टिकटॉक को तो ब्लेम नहीं कर सकती, टिकटॉक ने तो आपको ये नहीं कहा कि तुम फांसी पिलाओ। रीजन ये है कि आप लोग इसमें पायनियर हैं, ठीक है, आप लोगों के फॉलोअर्स हैं, और वो जो एक लाइन आप लोगों ने ड्रॉ कर दी है, वो उस फुटस्टेप से उससे आगे बढ़ते हैं, तो लोग तो आपको मोर इल्जाम ठहराएंगे ना। अब जैसे आपने एंकर्स की भी बात की, तो उसमें सारे एंकर्स क्या यही करते हैं,
ऐसा नहीं है जिस तरह आप कह रही है कि हम तो नहीं करते, तो फिर उसके लिए आपको उनको रिप्रेजेंट करते हुए ये तो कम से कम कंडेम करना चाहिए ना कि ये जो कुछ हो रहा है गलत हो रहा है। डेफिनेटली इस चीज को तो आपको एडमिट करना चाहिए। लेकिन वो वीडियोस भी तो गए ना जो इसमें कहा जा रहा है कि यार टिकटॉक फांसी फैला रहा है, वो भी तो दिखाई जाए। एक्सपोज करना सिर्फ ये नहीं है कि आप अपना जिस्म एक्सपोज कर रहे हैं, मैं बात करूं जेस्चर्स की, मैं बात करूं लैंग्वेज की, मैं बात करूं वो एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, बहुत सारी ऐसी, आप भी मानेंगे इस चीज को। किसी का मुंह आप बंद नहीं कर सकते। मैं अपनी बात कर सकता हूं, मैं अपने सवाल का जवाब दे सकता हूं, मैं अपनी वीडियो का आपको बता सकता हूं कि यार ये अच्छी है बुरी है, मैं किसी और की दूसरे के बंदे की लेकिन बात नहीं। लेकिन आप पे रिस्पांसिबिलिटी है इसलिए क्योंकि आप पायनियर हो, आपको इसको कंडेम करना चाहिए। अभी जो आपको एसओपीस इसके लिए खुद भी ड्रॉ कर सकते हैं। अभी एक और टेलीविजन चैनल पर गुफ्तगु हो रही थी और चाचा पाकिस्तानी से मेरी बात हुई, वो आज अपील कर रहे हैं गवर्नमेंट से, लोग कराची में पहुंचे हुए हैं, बात कर रहे हैं, इसको उठा रहे हैं, तो हम यही कर सकते हैं। राइट नो हम लोग यहाँ किसी काम की वजह से रुके हुए हैं तो हम वहाँ नहीं पहुंचे, लेकिन हम अपनी कोशिश कर रहे हैं, हम अपना एंड दिखाने की कोशिश करते हैं, अपना रिएक्शन सामने लाने की कोशिश ज़रूर करते हैं। देखें एक एक सेट एग्जाम्पल की मैं अगर बात करूंगा, इसमें संदल या मैं हरीम को टारगेट नहीं कर रहा या किसी और को बात नहीं कर रहा, मुफ्ती कवि साहब की बात की जाए, ठीक है, उनका एक नाम के साथ मुफ्ती लगा हुआ है, वट एवर बिहाइंड द सीन बिहाइंड द कर्टन जो कुछ भी है जिंदगी के इंसान की प्राइवेट लाइफ्स हैं, अगर उसको सोशल मीडिया पर डाल दिया जाता है तो वो एक इमेज सिर्फ मुफ्ती कवि का खराब नहीं हो रहा, वो एक ब्रैकेट पूरी जो तो अच्छा नहीं हुआ कि उसका बेनकाब किया उस इंसान को जो कि बेहयाई फैला रहा है और नाम मुफ्ती का रख रहा है अपने ऊपर। देखिए उसमें उसमें बात यह आती है कि उसके अंदर कोई चीज ऐसी आप लोगों ने भी उसकी एक्सपोज तो नहीं की कि जिससे वो आप कह सकें, क्योंकि क्यों एक्सपोज की टेक्निकलिटीज़ में कलमा पढ़ा है, उसने कलमा पढ़ा, वीडियो आप देख सकते हैं, उन्होंने कलमा पढ़ा और साथ में उसके बाद उन्होंने ऐसे गंदे अल्फाज यूज किए जो कि नहीं यूज करना चाहिए। कलमा पढ़ के आप ये अल्फाज यूज कर रहे हो, आपको शर्म आनी चाहिए। अपनी कैपेसिटी में इंसान की जिंदगी के अंदर बहुत कुछ है, आप भी इस चीज से वाकिफ हैं। आप मुनफी हैं कि जो भी है, मैं तो उनको मुनफी नहीं बोलती और गलत बात है कि किसी को ऐसे बोले हम लोग, ये इस्लाम मुफ्ती 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 जो भी है नहीं बोलना चाहिए इनको मुफ्ती, क्योंकि वो मुफ्ती नहीं है। वो तो उनकी फैमिली ने भी अब उनकी तरफ से बयान दे दिया है। हाँ, मुझे एक बात बताओ, आप जिस फैमिली से बिलोंग करते हो कभी वहां पे आपको कोई सख्ती हुई या कभी आपको रोका गया इस काम से? देखो स्टार्टिंग में लाजिम बात है होता है, मैं स्ट्रगल कर रहा था, फैमिली वाले रोकते थे कि ना करो ये अच्छी चीज नहीं है। देखो मैं अपना यानी जो अब मैं टिकटॉक बना रहा हूँ, यानी मेरे तो सारा जो मेरे वीडियोज़ हो है, मैं अपने यानी छोटे छोटे बच्चे होते हैं सबसे ज़्यादा लाइक मुझे बच्चे करते हैं, फैमिलीज़ करते हैं। इज दैट ओनली थिंग यू वांटेड कि आपको फेम मिल जाए बस? नहीं मैं यानी किसी को हंसाना कोई गलत बात है? नहीं मैं उस चीज़ की बात नहीं कर रहा, मैं आपके एम्बिशन की बात कर रहा हूँ। किसी के साथ हमारा काम नहीं होता, अपने काम से काम रखते हैं और उससे हमें थोड़ा सा फेम भी मिल गया। और कुड इट बी लाइक दिस कि आप इसको एक पॉजिटिव लाइन की तरफ भी ला सकते हैं, जो मैंने पहले बात की है कि इसको आप एक सेट एग्जांपल के तौर पे जी जी उस ब्रीड के लिए, उस जनरेशन के लिए जो कि अब लाखों में आपको फॉलो कर रहा है, हम जो काम कर रहे हैं उसमें भी हम एजुकेट कर रहे हैं, तो इसको आप उस एंगल में भी ला सकते हो। हाँ हम लाएंगे इंशाल्लाह, कोशिश करेंगे, मगर लोग तो हमें छोड़ देना, लोग हमारे पीछे लगे सिर्फ टिकटॉक टिकटॉक टिकटॉक, बाकी क्यों एप्स नहीं ले रहे? जेरी की अपनी कोई शख्सियत नहीं है? है बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसी बात नहीं। बेसिकली जेरी क्या है, एक्सप्लेन इट। क्या जेरी वो टिकटॉकर ही है या संदल खटक सिर्फ वो एक टिकटॉकर ही है? नहीं ऐसी बात नहीं, हम लोग माशाल्लाह यानी बीगो हमारा ऐप है। व्हाट इज जेरी, असल जेरी क्या है मुझे ये बताओ। वो बस असल जेरी भी है, असल संदल खटक भी यही है। हाँ। देखिए नहीं इसको हम रियल है और मैं तो बिल्कुल प्योर रियल हूँ, जो मैं टिकटॉक पे हूँ, जो मैं बाहर हूँ, जो मैं इधर हूँ, मैं बिल्कुल रियल हूँ। देखें बात यहाँ पे कंट्रोवर्सीज पे आ जाती है, तो आप मेरी कोई बताएं, मैं आपकी बात ही नहीं कर रहा, मैं आपको कह रहा हूँ, यहाँ बैठी आप मेरी बात करेंगे ना। नहीं मैं आपकी बात आपसे मंसूब जितना इस वक्त टॉक पे चल रहा है चीज, उससे मटेरियल की मैं बात करूंगा ना जो आप वहाँ पे आप लोगों ने स्प्रेड किया है या आपके फॉलोवर्स ने किया है। आदिल एक चीज मुझे आप ये बताएं, आदिल डीजे आदिल जो है उसका एम्बिशन क्या यही था? नहीं 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 मैं अभी एक ट्रैक जो है वो बहुत वायरल चल रहा है माशाल्लाह, जिसमें जैरी भी है, संदल भी है, उसके अलावा
रेडियो पे तकरीबन 2008 से काम कर रहा हूँ. दैट आई नो, वो आई नो, मुझे पता तो, है उसके बारे में. भाई यही चल रहा है, एक एक शौक होता है, एक आपके पास मेरे पास नहीं है टाइम, बहुत सारे दोस्त हैं फिल्मों में. शौक कहाँ जा रहा है ये बताओ आप. शौक अच्छी तरफ ही जा रहा है, पॉजिटिव वीडियोस ही जा रही है, नेगेटिव वीडियोस नहीं जा रही है. नेगेटिविटी फैलाना ही नहीं सिखाया. एग्जांपल मैं वही बात करूं ना, फिर इनको आप लोगों का इस वक्त एक ऐसा बीइंग एन एल्डर इन दिस फील्ड, मतलब आप लोग वैसे तो एज में अभी इतने ज्यादा नहीं हो, लेकिन जो दूसरे पीछे आने वाले लोग हैं उनके लिए एक एक पाथ तो क्रिएट करो आप लोग. इससे एक स्टेप एसओपी तो बनाओ, इससे एक स्टेप और पीछे चलते हैं. गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए जब भी कोई ऐप लॉन्च करनी हो, पैसे जेब में नहीं डालने, पहले उनके साथ डिस्कस करना है कि ये इस्लामिक कंट्री है, यहाँ ये चलना चाहिए, ये बंदा अगर ये करता है तो इस पर ये होना चाहिए. इस्लामिक कंट्री के हवाले से ही तो मैं सोशल फैब्रिक की आपसे बात कर रहा हूं. मैं वही कह रहा हूँ, तो ये एसओपीज उन्होंने डिफाइन करनी, ना कि मेरा काम है, ये उनका काम है. ऐप हर काम हुकूमत का नहीं है, ये मैं आपको बताता चलूं. बहुत सारी चीजें तो वो तनख्वाह की चीज है, गवर्नमेंट की चीज की तनख्वाह ले रही है. ऑपरेट नहीं, वो बैन कर सकती है या फिर उसको ब्लॉक करवा सकती है. इस ऐप ऑन होने से पहले, ऐप ऑन होने से पहले अप्रूवल होती है पीटीए के पास, तो उनको चाहिए. आपको मैं बताता चलूं, एक सोशल मीडिया बिल जो है इस वक्त कमेटी के अंदर मौजूद है, काबीना से अप्रूव हो चुका है. डू यू नो दैट सोशल मीडिया के हवाले से एक बिल ऑलमोस्ट अबाउट टू पास होने वाला है, और उसके ऊपर जिसमें सोशल मीडिया में YouTube भी आएगा, उसके अंदर ये तमाम ऐप्स भी आएंगी. तो अगर उसके ऊपर सख्त एक्शन कोई होता है या कोई एक एसओपी बन जाती है, हाँ तो अच्छी बात है, एसओपी बने उस पे. आप लोग समझते हैं कि हाँ, 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 होना चाहिए, एक लिमिट में होना चाहिए. मैं तो गवर्नमेंट के साथ है, नहीं हम वो तो हमें आपकी वीडियो से पता चल गया, गवर्नमेंट के भरपूर साथ हैं आप, वो तो आपके साथ का हमें अंदाजा हो चुका है. जैसे वो चाहेंगे हम उस पे चलेंगे, क्योंकि वो हमारे सोच रखते हैं, बड़े हैं, समझदार हैं, तो वो जो करेंगे हम उनके साथ हैं. आज आसिम, आज यहाँ पे हम बैठे हैं, हमें पता है वो एक ऐप बंद करेंगे, दूसरा ऐप हमारे लिए ले आएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट खुद भी नहीं रह सकती हमारे ऐप्स के बगैर. लेकिन आपकी ऐप्स के बगैर गवर्नमेंट कैसे नहीं रह सकती, ये आप बहुत बड़ा जुमला बोल रही हैं. ये गवर्नमेंट से मुराद आपकी कौन है? गवर्नमेंट आप, मैं पूछूंगा, मतलब उस गवर्नमेंट का नाम बताइए. मतलब मुझे एप्स नहीं, अब तो संदल आपने नाम बताना है मुझे, गवर्नमेंट का नाम प्लीज. वही मेरा सवाल था जिसको आपने पहले गोल किया, अब आपको बताना है वो गवर्नमेंट कौन है. बनीगाला में हमने आपकी तस्वीरें देखी, फॉरन ऑफिस के अंदर जो कुछ था वो देखा, फिर गवर्नमेंट क्या है आप बताएं. अब इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा. सोशल ऐप पाकिस्तान में क्या, बल्कि पूरी दुनिया में है. गवर्नमेंट की बात है, मैं गवर्नमेंट की बात ही कर रही ना. हमारे गवर्नमेंट के जितने भी बड़े लीडर्स हैं, जो भी हैं, देखिए सब ट्विटर यूज करते हैं, करते हैं कि नहीं करते. ट्विटर तो आप सोशल ऐप है ना, टिकटॉक से अलग है ना सोशल ऐप. तो फॉर द इन्फॉर्मेशन, मेरी बात सुने आप, आज टिकटॉक बंद करें मैं ट्विटर पे आ जाऊंगी, मैं ट्विटर पे ये सब कुछ वीडियोस बनाऊंगी जो हम लोग फन करते हैं. तो आप लोग ट्विटर बंद कर दोगे? आप तो मशहूर हो गए ना, आप तो उसका फायदा उठाओगे. अगर ना होते फिर क्या करते आप? तो ना बंद करे टिकटॉक. तो मेरी बात सुने, मैं माँ के पेट से इतनी मशहूर निकली ना मैं. तो वही मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ऐसा क्या राज है कि एकदम आके जो कोई किसी को जानता नहीं था और उसके बाद आके आप स्टार बन गए. मेहनत कैसे सोशल फैब्रिक की बात करें ना, तो हर जगह लड़कों की भी ऐसी ही नजर आती है, वो भी कंट्रोवर्सीज में जाते हैं. जेरी, मैं तो जेरी की एक वीडियो भी ऐसी ही देखी. जेरी तो जेरी की बात नहीं कर रहा, फिर अपने ऊपर क्यों लेकर आते हो? बाकियों का ठेका हमने थोड़ी लिया है, लिया है आप लोगों ने, क्योंकि आप लोगों ने ट्रेंड सेट किया है. वो तो ट्रेंड सेटर्स, हम तो बोल लोगों को इसके रिस्पांसिबल होना पड़ेगा. हम वही आंसर आपको कर रहे हैं बार बार के आप पहलू तो ही नहीं कर सकते. इस ऐप में आपकी पाकिस्तान को अथॉरिटी दे दी गई है. नो वे, आप लोगों को रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, बीइंग एन एल्डर इन दिस फील्ड. तो हम आवाज उठा रहे हैं ना, हम आवाज उठाते हैं, हम बात करते हैं. नहीं बनाओ घर चला जाऊँ और पैन की कर रहे हो, मैं उधर चला जाऊँ. डिस्करेज करना पड़ेगा तो हमारे तो किसी घर नहीं जा सकते ना कि आप ये मत करो ये मत करो. हम अपने जिस मीडियम से आप स्टार बने उसी मीडियम को इस्तेमाल करके उनको रुकवा सकते हैं. मैं एक बात आपको बोलूं, करते हैं अभी, मैं बात करती हूँ अभी. आप यहाँ बैठे हैं, मुझे आपके कुछ क्वेश्चन अच्छे नहीं लग रहे, मैं आपको रोक सकती हूँ. आप नहीं रुकेंगे क्योंकि आपका काम है बोलना, और आप बोलते रहेंगे चाहे मैं जो मर्जी कर लूं, क्योंकि आपका काम है. आप यहाँ पे बैठे हुए नेशनल टेलीविजन पे बैठ के आप बोलते रहेंगे इसी तरह. तो देखिए आप जो आप अपना काम करोगे, हम काम किसी को रोक नहीं सकते. फील्ड से रिलेटेड जो सवाल बनता है वो मैं करूंगा. किसी को रोक, हाँ कर रहे हैं ना. अब हम भी जो कर रहे हैं, तो आप मानती हैं कि जो मर्जी हम करें?
जो मर्जी नहीं है, जो हम कर सकते हैं वो कर रहे हैं। हम लिमिट्स हैं, हमको हम तब ड्रॉ करेंगे जब हमारे कोई प्रूफ आ जाए, कोई वीडियो हमें कोई गलत तो दिखाएगा। प्रूफ है यार जेरी, मुझे ये बताओ आप, उसको बेनकाब की है। अगर आप भी गलत करोगे तो आपको भी बेनकाब करेंगे। यहाँ हमारे माशरे में जिस जिसको हम बेनकाब कर सकते हैं हम बेनकाब करेंगे, जो कि गलत नाम यूज करके गलत बेहयाई फैला रहा है और अपना नाम के साथ क्या है मुफ्ती लगा रहा है। देखे नहीं संदल, बात आती है जोक्स अपार्ट, किसी okay. की ऐप पे पर्दा डालने की बात की जाती है, ना कि उसको उछालने की। लेकिन फिर इस्लाम को तो ना बदनाम करें ना वो। नहीं, वो देखे, वो उन्होंने अपनी कबर का जवाब अपना देना है, तो मैंने भी अपनी कबर का जवाब अपना देना है ना। उसको देखते हुए आप लोगों को कम से कम दूसरों के लिए एक एग्जांपल तो नहीं बनानी चाहिए ना, कि दूसरों को यही बता रहे हैं। दुनिया इसी से फायदा उठा रही है कि पाकिस्तान के अंदर जो गंद उछल रहा है, जैसे हम मीडिया को मोर्द इल्जाम ठहराते हैं कि पाकिस्तान के अंदर गुज़श्ता 15-20 साल से जो कुछ हुआ मीडिया ने फ्रस्ट्रेशन फैलाई, ठीक है, तो यही सवाल आज सोशल मीडिया के हवाले से भी हो रहा है। दुनिया को हम ये बताना चाह रहे हैं, हर औरत को बताना चाह रहे हैं। क्या फर्क रह गया कि एक धमाके को 20 दफा दिखा रहे हैं जिसमें अभी धमाका हुआ नहीं है, पहले से स्क्रीनें सुर्ख हो जाती थी और कहा जाता था जी धमाका हो गया, उसके बाद तीन पता चलता था सिलेंडर फटा है। नहीं, उसके बाद शुरू से ऐसा गलत आ रहा है। मैं कंडेम करो तो आप भी गलत को गलत ही करेंगे फिर। देखिए शुरू से सिस्टम में गलत आ रहा है, हम जो कर रहे हैं ठीक चल रहे हैं। अच्छा जेरी मुझे ये बताओ, हम जब सोशल फैब्रिक की बात करते हैं, एक एक इंसान की इन्वायरमेंट के हवाले से, फैमिली के हवाले से अपना एक विजन होता है, एक एक सोशल सर्कल होता है, एक क्लोज फैमिली नेटवर्क होता है। आदिल को मैं जानता हूँ, इसकी फैमिली को भी जानता हूँ, संदल की अपनी फैमिली सेटअप, आपका, आप समझते हो कि ये चीज़ एक लिमिट तक जाने के बाद ख़त्म हो जाएगी और आप लोग खुद तंग पड़ जाओगे? देखो हमें लिमिट क्रॉस नहीं करना चाहिए ना। नहीं, देर मस्ट बी एन एंड फॉर दैट। आपका कोई कोई एक ये करियर तो नहीं है ना आपका? क्यों नहीं है? क्यों नहीं एंबिशन तो नहीं? अच्छा, यू थिंक दिस इज अ करियर? देखो यू अर्निंग फ्रॉम दिस। मैं एक बात बताई, ये सिर्फ मोनेटाइजेशन आप YouTube की। मैं एक बात बताई, हमारा, मेरी बात सुने, इधर से हम अर्निंग कर सकते हैं, मगर हमारे अर्निंग भी है, हम करते भी है, हमें एडवर्टाइजमेंट आते हैं, हमें प्रमोशंस आती है। हाउ मच यू अर्निंग? यानी हमें, यानी एक प्रमोशन का 50,000, 1 लाख, ये तो डिपेंड करते हैं, फैन फॉलोइंग पे डिपेंड करता है। वन प्रमोशन आई एम टॉकिंग अबाउट इन अ मंथली बेसिस, क्वार्टरली बेसिस में 5 लाख तक हम लोग इजीली टिकटॉक से कर लेते हैं। मगर वो हमें दे नहीं रहे, हमें हुकूमत नहीं दे रहे, क्योंकि बाकी कंट्रीज में पैसे मिल रहे हैं टिकटॉक से, मिल रहे हैं पाकिस्तान में नहीं। कैसे रोक सकती है इसमें? तो आपका तो हमें तो नहीं पता ना अभी इन चीजों को, हमारे हमें तो नहीं पता ना, हमें क्यों नहीं दे रहे यूट्यूब पे। अच्छा एक बात बताए, यूट्यूब पे पैसे मिल रहे हर एक 100 व्यूज पे पैसे मिल रहे, $100 मिल रहे, हमें 11 मिलियन व्यूज आ रहे टिकटॉक पे, हमें किधर है? हर मुल्क में मिल रहा है, हर मुल्क में मिल रहा है, हर कंट्री में मिल रहा है, हर जगह। इजिएस्ट वे टू अर्न तो घर बैठ कर रहे हैं ना, हम लोग को एंटरटेन कर रहे, खुशी कर रहे, लोग हमें सपोर्ट कर, लोग हमें लाइक कर रहे। मुझे इसकी पॉजिटिविटी बताओ, इसमें क्या क्या मजबूत चीज है, क्या पॉजिटिविटी है? लोग को आसाना, देखिए मैं बताता, मैं एक सेकंड पहले जय, लोग को आसाना, हम अपना एंटरटेन कर रहे, हम अपने एंजॉय कर रहे, ये हमारा इट्स जस्ट एन एंजॉयमेंट, एंटरटेनमेंट है ना। सर मेरी बात सुने, पॉजिटिविटी भी हर चीज में है और नेगेटिविटी भी हर चीज में है। अगर सोशल ऐप्स में देखा जाए तो व्हाट्सएप, मैसेंजर, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, हर जगह गंदी चीजें भी है और अच्छी चीजें भी है, ठीक है। और रही बात उसके टिकटॉक के हवाले से, तो टिकटॉक से देखे, मैं मिसाल देती हूँ फुल्लू की, फुल्लू है एक गरीब घराने से, ठीक है, उसने हाँ। वीडियोस बनाना शुरू किया टिकटॉक पे, आया बेचारा देहाती इलाके में, लेकिन जब वो वीडियोस लोगों ने पसंद किए, लाइक्स किए, उसको बहुत फैन फॉलोइंग मिली है, उसकी वजह से उसको प्रमोशंस आई है, ओपनिंग के लिए बुला रहे हैं, ओपनिंग के लिए उसको प्रमोशंस आए, मेरी बात सुने, उसको बुलाया जाता है ओपनिंग के लिए, उसको बुलाया जाता है इवेंट के लिए, उसको बुलाया जाता है शूट्स के लिए, उसको बुलाया जाता है टीवी ड्रामा के लिए, उसको हर जगह जाने के लिए वो बहुत से और भी ऐसे बदनामी जमाना प्रोफेशन है उनके, वो भी देख लो, दुबई जा रहे, कोई किधर जा रहा है, क्या जा रहे है ना, वो भी प्रोफेशन है उनका। आप किसकी बात कर रहे हैं? मैं बहुत सारे और भी सेगमेंट्स की बात कर सकता हूँ, वो टैबूज हैं।
वो भी तो प्रोफेशनली वो कहते हैं हमारा रोजगार ही यही है, उनका काम है। आप देखें, आप अपनी चीज को पॉजिटिव नेगेटिव आप खुद यूज करते हैं। यही मैं पूछ रहा हूँ, पॉजिटिविटी सिर्फ यही है कि रोजगार का सिर्फ रीजन नहीं हो सकता। रोजगार सबसे बड़ा आजकल सब है ही, सबसे बड़ी चीज रोजगार। आपके पास पैसा नहीं तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। मैं ब्रेक की तरफ जाऊंगा, ब्रेक के बाद नाज़रीन हम इस पे मजीद बात करेंगे, क्या पाकिस्तान के अंदर हमारा सोशल फैब्रिक टिकटॉक ने और हमारे सोशल मीडिया ने तबाह किया है, उसका जिम्मेदार कौन है, क्या हुकूमत की पॉलिसीज वीक है या फिर कोई गाइडेंस नहीं है, और या फिर जो भी ऐप आती है तो उसको लॉन्च करने से पहले उसके फवायद या नुकसान को देखने की बात होती है। हम लेते हैं ब्रेक, उसके बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदीद कहते हैं एक दफ़ा फिर। मैं बढ़ूंगा जी दोबारा सवालात की जानिब। सोशल मीडिया फैब्रिक के ऊपर बात की जा रही है कि सोशल फैब्रिक तबाह हो गया, कंट्रोवर्शियल है, टिकटॉक नहीं होना चाहिए, लोगों की जाने जा रही है, बहुत सारी बातें हुई हैं। हमारे जो टिकटॉक स्टार्स यहाँ पर मौजूद हैं, सवाल दोबारा करूँगा कि अगर हुकूमत इसके ऊपर इकदाम उठाए, हुकूमत के बारे में कहा जा रहा है कि उनका काम है, मैं सवाल यही करना चाहूँगा क्या हुकूमत कर सकती है? आप मुझे बताएं हुकूमत को क्या करना चाहिए। मैं साथ ही दोस्त मुल्क की तरफ जाऊँगा, चाइना। चाइना में आपकी ऐप्स जो हैं उनकी अपनी हैं, तो पाकिस्तान क्यों नहीं बना सकता अपनी ऐप्स? बनाए इस तरह के एंटरटेनमेंट वाली ऐप्स, बनाए ट्विटर, बनाए फेसबुक, बनाए फेसबुक मैसेंजर, बनाए व्हाट्सएप, वी चैट की तरह यूज़ करेंगे, डेफिनेटली यूज़ करेंगे, आपकी सिक्योरिटीज़ के इशू ख़त्म हो जाएंगे। अगर उन्होंने बना लिया तो फिर उसके बाद भी आप लोग यही करोगे? फिर फिर आप शिकवा करोगे कि हुकूमत कदगन लगाती है? नहीं नहीं नहीं, आजादी है सहाफत के ऊपर भी कहा जाता है कदगन लगी, तो आप लोगों ने कहा है आजादी है टिकटॉकर्स के ऊपर कदगन। एसओपीज होंगी ना, एसओपीज के मुताबिक। मैं जैसे आपको पहले बता रहा था, आप बच्चे को गोद में बिठाकर वीडियो नहीं लगा सकते। आप 6 महीने, साल, 2 साल, 3 साल मेहनत करते हो, 3-4 मिलियन फॉलोअर लेते हो, क्या आप रिस्क लोगे वीडियो बनाने का ऐसा कि आपकी आईडी यूं बैन हो जाए? आप क्या करोगे? फिर जीरो से स्टार्ट लोगे? कभी भी नहीं करोगे। मुझे बताना क्या हुआ जब आपकी हुकूमत में इतनी मुदाखलत, यानी आप हुकूमत के साथ इतने रابطے में हो, तो आपकी फिर वीडियो बैन कौन करेगा? मेरी बात सुने, मेरे 3 अकाउंट खत्म हुए हैं, 2-2 मिलियन वाले मेरे 3 अकाउंट खत्म किए हैं, ये मेरा चौथा अकाउंट है, नहीं तो आज टिकटॉक पे मेरे 11-12 मिलियन होते। करवाने वाले भी वही होंगे। कौन? जिनके आप रابطے की बात करती हैं, आपके जानने वाले? नहीं, आपके जानने वाले, मेरे नहीं, आपके जानने वाले। मेरे जानने वाले अगर होते तो बंदी ना करते। वजह क्या थी बैन होने की? ऐसे चले क्या? अगर कंट्रोवर्शियल नहीं है तो आप जेरी, मैं वही पूछ रहा हूँ, तो कुछ गलत किया है? नहीं, रूल्स को तो फिर ऐसे कुछ टिकटॉकर्स हैं, कुछ तो संदल जिसे कहते हैं ना कि चिंगारी होती है तो धुआं होता है। सर ऐसा कुछ भी नहीं था, कुछ होगा ना जो आप कह रही हैं कि हमारा कुछ दिखा जब बैन हो गया। बहुत ज्यादा बातें चल रही थी, मुबशर लुकमान वाली, शेख रशीद साहब वाली, तो बहुत इश्यूज चल रहे थे, तो मेरे ख्याल से मैं तक नहीं कह सकते कुछ भी कि उनकी वजह से मेरा अकाउंट बैन कर दिया गया हो। तो आपका कोई कसूर नहीं था? नहीं, मेरा कोई कसूर नहीं था। आपका कसूर नहीं था और आपका अकाउंट बैन हो गया? जी, मेरा अकाउंट बैन। क्या ये अकाउंट पाकिस्तान से ऑपरेट होते हैं? नहीं, अभी आप कैसे? अभी अभी पाकिस्तान से, अभी तो आगे और होगा, लेकिन मैं मेरा सवाल संदल से वो करने दें, उस वक्त पाकिस्तान से नहीं। मेरी बात सुन, मैं किसी पे, एक मिनट मेरी बात सुने, मेरी बात भी सुने, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही कि किसी ने मेरा अकाउंट करवाया। मैं मुबशर लुकमान, शेख रशीद, उस टाइम मैंने कहा ये चीजें चल रही थी, मैंने उनको ब्लेम नहीं किया कि उन्होंने किया। पाकिस्तान से ऑपरेट होते हैं तो वो कर सकते हैं ना, ये तो बाहर वालों ने किया। आपने क्या बोला? मैंने बोला मैं उन पर इल्जाम नहीं लगा रही, लेकिन जो बोल रही हूँ। क्या किया था आपने ऐसा? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मेरे अकाउंट में मुझे ऐसा कुछ भी नहीं था, और उस टाइम तो मैं नई नई समझ लेती, तो वीडियोस भी अपलोड सिंपल सिंपल। ऐसे तो किसी का अकाउंट बैन नहीं होता। क्यों नहीं? कितने सालों के हुए हैं? बहुत सालों के हुए हैं। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ अकाउंट सबके। नहीं नहीं, पाकिस्तान नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। अभी अभी हम 10 वीडियोस लगाते हैं, 8 वीडियोस अंडर रिव्यू चली जाती है, वो बेचारे शायद बैकएंड पे देख रहे होते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता। 75,000 आजकल तो नॉर्मल वीडियोस भी बैन हो जाती है, पाउडर भी होती है, लगा के आप करो वो भी बैन हो जाते हैं, खत्म बैन कर देते हैं वीडियो। छोटी-छोटी चीजों पे पाबंदियां आ गई हैं। क्या हुकूमत को जारी करना चाहिए? आप क्या समझते हैं इस पे? क्या एसओपीज होनी चाहिए? क्या पाबंदियां होनी चाहिए? ये हुकूमत का फैसला है कि खुला छोड़ देना चाहिए? मेरी बात सुने, हुकूमत का काम है कि रूल्स तो रख लेना।
रूल्स ये हुकूमत का काम है कि वो मसलन मैं आपसे आप लोगों से पूछना चाहूंगा बारी बारी। अच्छा यानी फॉर एग्जांपल जो अच्छी वीडियोस बना रहे उनको तो आगे फॉरवर्ड कैसी अच्छी यानी हम लोग बना रहे हंसी मजाक हाँ ना जैसे एंटरटेन करे फन करे जो भी करे उनको तो आगे फॉरवर्ड तो करे ना। अब जो फहैशी करे उनको खत्म करे फहैशी कोई नहीं कर रहा फहैशी कोई नहीं कर रहा सर फहैशी कोई नहीं कर रहा टिकटॉक पे कोई नहीं कर रहा नहीं कुछ है ऐसी बात नहीं है अलाउ ही नहीं है फहैशी अलाउ नहीं है। की बात पे यकीन करूं या जारी की बात पे यकीन करूं वो पहले थी अब रूल खत्म हो चुके हैं अभी तो नहीं अब रूल खत्म हो चुके हैं कुछ भी नहीं है नहीं अगर आप लोग कहते हो ना कि फहैशी है ना तो उनको खत्म करे ना नहीं हम तो नहीं कहते पूरी दुनिया कहती है खत्म हो चुकी है सर पहले थी थोड़ी बहुत मींस पहले आप करी थी बिल्कुल नहीं थी गंदे गंदे कॉन्सेप्ट बना रहे थे। अभी एक शख्स की वीडियो बैन हुई आईडी जो है वो 30 दिन के लिए बैन हुई कि उसने ये कहा कि यार कलमा तैयबा तुमने पढ़ना है और मैं तुम्हें उमरे का टिकट दे दूंगा 30 दिन सिर्फ वीडियोस लगाओ। अब वो पॉजिटिव बात कर रहा था पीछे से आईडी उन्होंने 30 दिन के लिए ब्लॉक कर दी। अब वो बेचारा दोबारा से मेहनत कर रहा है देखें बात ये है ना कि जब आप किसी और मुल्क के हवाले से उसकी ऐप को यूज़ कर रहे हैं तो आपकी सोशल नॉर्म्स उनसे मैच नहीं करती। आप ही की बात के अंदर आप ही को मैं कंट्रडिक्ट होते हुए देख रहा हूँ क्योंकि वो ऐप पाकिस्तान की नहीं बेशक ऐप पाकिस्तान की नहीं पाकिस्तान की लेकिन हम एक इस्लामी मुल्क में हैं और हम इस्लाम की बातें तो करेंगे हम तो मजहब की बातें करेंगे चाहे वो हमें इसको अलाउ करते हैं नहीं करते लेकिन हम तो इस्तेमाल करेंगे मजहब को क्योंकि हमारा मजहब इस्लाम है। लेकिन दूसरी सूरत में दूसरी वीडियोस जो है उनको बैन नहीं किया जा रहा ये भी आपकी कंप्लेंट है क्योंकि फाशी हुई आप कह रहे हो फाशी हुई थी और हमारी सुनी भी गई है पहले तो आप कह रही थी कि कभी नहीं हुई। नहीं 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 कॉन्सेप्ट गलत होते हैं मैं इसको फाशी नहीं कहती कि फाशी वो होती है कि आप गंदे काम कर रहे हैं वहां पर। तो इसमें चार पांच सवाल ये आते हैं कि ना तो अगर आप इस्लाम की बात करते हैं ना ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है ठीक है नजरियाती तौर पर ये दुनिया में नजरियाती मुल्क जो वाहिद मुल्क है उसके बारे में कहा जाता है अगर हम उस नॉर्म्स को देखते हैं तो हम ना तो किसी की पगड़ी उछाल सकते हैं चाहे वो जितना भी बुरा हो इस्लाम हमें इसका हक नहीं देता कि किसी की बुराई या ऐप को हम आश्कार करें सरेआम करें। दूसरा हम ऐसा कोई भी अमल नहीं कर सकते जिससे आप दूसरों को उभारें किसी चीज के ऊपर ये तमाम चीजें इसके अंदर शामिल हो रही हैं। सॉरी सर मैं आपको टोक रही हूँ फिर तो खान साहब को मैं ये कहना चाहूंगी कि फिर ऐप से ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में कोई भी ऐप नहीं होना चाहिए सारे ऐप खत्म कर दें। इस्लामी सर जी मेरी बात सुने इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहने के लिए अगर आप लोग चाहते हैं कि हम लोग आप लोगों को लगता है कि बेहयाई वगैरह हो रही है और हम बाहर के ऐप्स यूज़ करें तो फिर पाकिस्तान को चाहिए कि पाकिस्तान एक ऐप बनाए हमारे लिए पाकिस्तान में हम उस ऐप को यूज़ करें और इस्लामी वीडियोज़ बनाएं जिस तरह के वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में चाहते हैं कि हम ऐसी वीडियोज़ बनाएं ठीक है फिर हम उनके तौर तरीके पर चलेंगे। जिससे आप लोग ताल्लुक रखते हो मैं केपीके की बात जी केपीके माशाल्लाह से सारे उससे ताल्लुक रखते हो वहाँ पे तो सोशल फैब्रिक बिल्कुल डिफरेंट है और इस चीज की तो वो बिल्कुल इवन लड़कों को परमिशन नहीं मिलती। नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है नहीं ऐसी कोई बात नहीं कुछ भी नहीं ऐसा कुछ हम गलत नहीं कर रहे हम कुछ हम गलत नहीं कर रहे और हर बंदा एजुकेटेड है केपीके में तो इस यहाँ के इलाकों से टैलेंट तो केपीके में टैलेंट है वो तो मुझे नजर आ रहा है आप देख सकते हैं मैं बैठी हुई हूं मैं देख रहा हूं आप ये भी देख सकते हैं केपीके के मैं वही बात कर रहा हूँ ना ये वो तो मैं देख रहा हूँ टैलेंट के हवाले से सिर्फ बात की जाए। अच्छा मुझे ये बताओ कि रवायती मीडिया की जो बात की जाती है 30-30 साल 40-40 साल लोगों के हो गए उम्रें हैं उन्होंने बड़ा काम किया उनकी एक शोहरत उनका नाम उनकी रिस्पेक्ट अमली ज़िंदगी में वो जैसे भी हो वी डोंट डिस्कस दैट थिंग लेकिन जो जो कुछ सोशल मीडिया टिकटॉक यूट्यूब और इसके ऊपर चल पड़ा है आप एग्री करते हो कि ये ठीक है इसके ऊपर ऐसे ही होना चाहिए मशहूर होने के लिए कुछ भी कर लो बस कंट्रोवर्सी हो और मशहूर हो जाए नहीं नहीं पॉजिटिव क्या ये सही है आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी इसमें आपको इस बात में आवाज उठानी पड़ेगी। अभी अभी संदल ने बात की संदल कह रही है ना कि गवर्नमेंट करे हम अभी से स्टार्ट करते हैं कुछ चीजें गवर्नमेंट के काम की नहीं होती जो सोशल फैब्रिक होता है गवर्नमेंट का क्या काम है गवर्नमेंट का काम तो पॉलिसी बनाना है वो अपने सोशल फैब्रिक सोशल मीडिया के मुतालिक हो रही है तो पॉलिसी बना दे सोशल मीडिया। सवाल करता हूँ क्या आपके मुल्क में अगर आप अभी आपके मुल्क में कानूनी तौर पर इस्लामी शरी लिहाज से देखा जाए शराब के ऊपर पाबंदी है क्या ऐसे मुल्क में जहाँ पे आप रहते हो और वहाँ पे पाबंदी हट जाएगी आप ये काम करना शुरू कर दोगे? जाहिर सी बात है
एक चीज अलाउ कर दी है, अलाउ कर रही है, आपको मजहब इजाजत नहीं देता, हुकूमत अलाउ कर रही है ना, हुकूमत मैं जिस क्यों कर रही है, कभी भी इस्लाम में जमीर पाकिस्तान शराब को क्यों अलाउ करेगा, मैं पाकिस्तान की बात ही नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ उस मुल्क में जहाँ पे अलाउड है तो आप वहाँ पे जाके करोगे, इसका मतलब है आपका मजहब की पाबंदी नहीं है कोई, मैंने पाकिस्तान की तो बात ही नहीं की आपसे, जब इस्लाम अलाउ नहीं करता तो हम क्यों करें, तो मैं वही बात कर रहा हूँ, तो जो चीज आपके सोशल फैब्रिक से कंट्रास्ट में जा रही है, क्लैश में जा रही है, तो वो चाहे पाकिस्तान है किसी मुल्क की भी ऐप है, आप क्यों अडॉप्ट करते हो, मैं आपको जो वर्ड किया जा रहा है, टिकटॉक जहरी पाकिस्तान में अलाउ किया तो जो हो रहा है उसकी जिम्मेदार हुकूमत है, नहीं यार हम ही यानी हम गलत तो नहीं कर रहे ना, जो हम तो अभी आपसे मुराद मींस वो लोग जो कर रहे हैं, सबकी बात कर रहे हैं, सब की बात कर रहे हैं, हम जो कर रहे हैं ना, अगर हम कुछ गलत करें तो हमें बैन कर दे, हम तो ये नहीं करें कि हम अमीन आ बैन कर दे, हमें बैन कर दे, अगर हम गलत कर दे पाकिस्तान वालों के पास वो तो है ना, अभी मैंने वीडियोस देखी हैं, लोगों ने तशद्दुद भी किया आपके ऊपर, लड़ाई भी हुई, क्यों हुई थी, तो फैम के लिए कर रहे हैं आजकल हम लोग, आज का एक मिनट आदिल बात अभी इस पे आ गई, मैं बताता हूँ ये अभी गलत बात नहीं है, अगर हम लोग कोलेआम घूमे, अब मैं मरी में जा रहा था, मैंने सूप पी लिया, पीछे से बंदा आ गया थप्पड़ मार दिया, मैंने कोई उनको गालियां दी है, मैंने कोई गलत बात किया, ऐसा क्यों हुआ, वजह मुझे बताइए, वैसे लोग अपनी फैम के लिए, अपनी फैम के लिए वीडियो बना के हम चढ़ा देते कि लाइक्स मिल जाए, लाइक्स के लिए, अच्छा मैं रोड पे जा रहा हूँ, गाड़ी चला रहा हूँ, आप जबरदस्ती गाड़ी ब्लॉक कर देते हो, ऐसा किसी और फनकार के साथ या किसी लेजेंड के साथ, बाकी टिकटॉकर्स के साथ भी हुआ है, टिकटॉकर्स की मैं बात नहीं कर रहा, वकार ज़का के साथ हुआ था, वकार ज़का के साथ, वकार ज़का साहब के, वकार ज़का तो जिस तरह के प्रोग्राम्स कंट्रोवर्शियल वो खुद भी करता रहा है, उससे पहले टिकटॉक के आने से पहले भी आप देखें उसके साथ, तो उसके प्रोग्राम्स में बहुत कुछ होता था, और तो मेरे ख्याल से चलिए वकार ज़का को छोड़ देते हैं, मुबशर लुकमान ने जो थप्पड़ खाया था किससे, फाज चौधरी साहब से, वो समी इब्राहिम ने खाया था, नहीं मुबशर लुकमान ने खाया था, वो समी इब्राहिम का, मुबशर लुकमान ने खाया था थप्पड़ फाज चौधरी साहब से, वो तो पर्सनल क्लैश था ना, नहीं नहीं वो उन्होंने बोला था संदल खट्टक और हरीम शाह ने आपकी वीडियो रिलीज कर दी है सोशल मीडिया पे आ गए, तो मुबशर लुकमान ने उसके गाने बोला, फाज चौधरी ने बोला तूने देखी है, उसने बोला नहीं, तो उसने पटख मारा, तो अब उनको तो नहीं रोक सकते, देखिए वो पर्सनल क्लैश की बात आ गई ना, पर्सनल क्लैश इस प्रकार से आ गया, मैं आदमी आम जिंदगी की कि किसी भी स्टार को किसी भी चलते आप अभी थप्पड़ की बात कर रहे हैं ना, तो थप्पड़ तो हर बंदे को पड़ा हुआ है, रीजंस कुछ और हैं, उसको उसके साथ मिक्स मत करें, नहीं नहीं रीजन रीजन कुछ और नहीं है, मैं कह रहा हूं कि जब आप एक आम आदमी के तौर पे या स्टार के तौर पे, मैंने बहुत सारे स्टार्स देखे हैं, बहुत सारे लोग आम जिंदगी में भी मैंने देखे हैं, कभी ऐसा वाकया नहीं हुआ, स्टार्स ने कल जो लात मारी है बिलाल सईद की लड़ाई से, लड़की को लात मारी है, वो गलत नहीं, फैमिली डिस्प्यूट उनका, अच्छा हमें थप्पड़ मर जाए, हमें थप्पड़ मर जाए, नहीं हमें थप्पड़ पड़ जाए, एक मिनट नहीं नहीं अब हमारे भी जवाब देंगे ना, हमारे आपका फैमिली डिस्प्यूट था कोई नहीं, तो क्या हुआ, फैमिली में अलाव है कि आप लड़की को मारो, देखिए बात वही फैमिली को अलाउ नहीं, अब अगर हम एक रोड पे पर्सनल क्लैश, फॉर एग्जांपल मैं एक रोड पे जान क्लैश में ना है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में लड़का लड़की को कैसे मार सकता है, हां इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में लड़की को कैसे मार सकता है, उनके इश्यूज की बात कर रहा हूं जो कि एज अ स्टार आपकी फैन फॉलोइंग के बाद आपको सरे रात चलते कोई नहीं मार सकता, अच्छा चले ओके, फाज चौधरी और बशर लुकमान ने एक फैमिली में तो आप मारा था एक दूसरे को, नहीं मुबशर को छोड़े जी, मुबशर के हवाले से बात ही मैं नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों के हवाले से, उनका आपस में पर्सनल क्लैश हुआ, अच्छा एक बार ये क्या, अच्छा अगर फैजा किसी मुबशर लुकमान आपके दोस्त हैं क्या, जो आप उनके साइड ले रहे, पहले नहीं बताएंगे, मेरे दोस्त भी हैं बिल्कुल, तो आप असली को साइड ले रहे हो, हम जो है आए हम हक की बात करेंगे, हम सच बोलेंगे, चाहे आपका दोस्त हो या ना, उसका रीजन ये नहीं बनता, उसका रीजन एक, लेट्स सपोज हम टिकटॉकर्स नहीं है, इसको मैंने दिया कैमरा, संदल तुम वीडियो बनाना, मैं आसिम को थप्पड़ मारूंगा, पहले मुझे लाना, इज्जत इतनी, तो ये होता है कि इमेज आप देखो ना क्या बन रहा है आपका, मैं दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग कि आप एज अ टिकटॉकर अपना इमेज क्या बिल्ड कर रहे हो, स्टार्ट की होता है, हम एज अ टिकटॉकर हमें कोई इशू नहीं है सर, सर मेरी बात सुनो, एज अ टिकटॉकर हमें को, अच्छा एक मिनट, हर न्यूज एंकर को गाली गलौज पड़ती है, हर न्यूज चैनल में जो भी बैठता है हर बंदे को गाली गलौज पड़ती है, सिर्फ टिकटॉकर्स को तो नहीं पड़ती, नहीं ये अच्छा एक मिनट, हमारी ये हमारी एक मिनट, हमारी ये गुनाह है, अगर हम एक मिनट आसिम भाई, अगर हम फेमस हो गए, ये बात सही है कि हम गाड़ी चलाते हुए बंदे आ जाए, गाड़ी रोक लेते और वो वीडियो डायरेक्ट स्टार्ट करे और हमें बोले तुमने किया, थप्पड़ मार दिया और वीडियो चढ़ा दिया, क्या मेरी गलती है, मुझे एक बात बताइए कि जब हम बात करते हैं एक आम आदमी और एक स्टार की जिंदगी की, मैं अब आपको दूसरे एंगल में आसान अल्फाज में पूछना चाह रहा हूँ, डोंट गेट कंफ्यूज्ड अबाउट सो मेनी थिंग्स, जो कि मैं देख रहा हूँ कि आप लोग बहुत सारी चीजों को जस्टिफाई करने के लिए चीजों के साथ मिक्स कर रहे हैं, तो आप जवाब देना, जेरी या संदल खटक या आदिल जब
एज अ पब्लिक आप जाते हैं, एक पर्सनैलिटी के तौर पर जाते हैं, स्टार के तौर पर जाते हैं, क्यों ऐसा हो रहा है? लोग सिर्फ अपनी फेम बनाने के लिए बाकियों के साथ क्यों नहीं हुआ ऐसा? तो लोग फेमस नहीं है ना, इसलिए नहीं कर रहे। अच्छा, यू थिंक कि वो फेमस नहीं तो नहीं है ना? आजकल टिकटॉक चल रहा है, सही बात है, आजकल टिकटॉक ट्रेंड चल रहा है। आपको भी तो मार पड़ी थी इनसे? नहीं, मुझे तो पड़ी नहीं है। वो जो वीडियो मैंने देखी थी, नहीं वो मुझे नहीं पड़ी, किसी को मार नहीं। आप काशिफ के साथ थे जो आप मारने आए थे, क्या हुआ था वो मुझे बताएं। नहीं वो एक 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 एक, एक स्टंट था, वो हमारे शॉर्ट पर्सनल कुछ भी होते ना, शॉर्ट्स में हमारा पर्सनल इशू था। तो फिर वो सोशल मीडिया पे क्यों आ गया? वो किसी ने अपलोड किया था? किसी ने हमने तो नहीं किया। क्या पता कि आप लोगों ने खुद करवाया हो, जैसे आप कह रहे हैं कि लोग अपलोड कर लेते हैं, आप अपनी बातों से खुद ही अलग हो रहे हैं। नहीं क्यों भाई, हम अलग हो, वो भी हजार लोग बैठे होते हैं, हम पब्लिक में बैठे होते हैं, हर इंसान के आजकल तो थोड़ा सा इधर हाथ वो देखे, सामने लड़के ने मोबाइल पकड़ा, देख रहे हैं अभी हम लड़ रहे हैं, हमारी वीडियो बना रहे, कल को अपलोड कर देगा, वो वायरल हो जाएगा, वो दिखाए थे आपका मेन बंदा वीडियो मिलेगा, उसको लाइक्स मिल जाएंगे, चलना शुरू हो जाएगी। ट्रेंडिंग पेज होता है, हमारी बात है, एक ट्रेंडिंग पेज होता है जिसमें वीडियोस आती हैं। ये आपके सामने एग्जांपल पड़ा हुआ है, आपने तीन चार कैमरे अपने लगाए हुए, वो क्यों लगाया हुआ? क्यों बुलाया? आप लोगों की वजह से माशरे में एक बहस चिर पड़ी है कि इसको बंद होना चाहिए, इसको नौजवानों को बिगाड़ने से रोकना चाहिए, तो ये इल्जाम है, उसका सवाल का जवाब पूछने के लिए बुलाया, क्योंकि आप लोग ट्रेंड सेटर्स हैं, आप लोग इसके पायनियर्स में से। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि इसको पॉजिटिव वे में इस्तेमाल हो। आप मानते हैं ये गलत है कि नहीं है, ये सवाल है जो मैं पूछ रहा हूं। सर, हम पहले मानते थे लेकिन अब नहीं मानते, टिकटॉक पे बहुत पाबंदियां शुरू हो गई हैं, हम डीट हो गए हैं। नहीं, थ्री मंथ्स हो गए हैं टिकटॉक पे, बहुत ज्यादा पाबंदी स्टार्ट हो गई है, आपका गलत लगाई बाप गरीब है। मैंने आपको कब कहा गरीब नहीं, वैसे जनरल बात बता रहे, अगर आप लोग बोलते हो कि हमें इस ऐप से पैसे मिलते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फैमिली मिलते रहेंगे, वो मिलते रहेंगे, वो मिलते रहेंगे, वो तो मिलते रहेंगे, चाहे पाकिस्तान में बंद भी हो जाए, चाहे पाकिस्तान में बंद भी हो जाए, वो ऐप चला जाएगा, दूसरा ऐप आएगा, हमारे नाम बन चुके हैं, हमें पैसे मिलते रहेंगे। शॉर्ट सा आंसर है, नेगेटिव नहीं है ये ऐप, ये पॉजिटिव है। अभी भी हम मेरे 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 एकदम पूरी ले रहे हैं, हां ये एक दफा सुन ले, ऐप कभी भी गलत नहीं होता। ऐप फहाशी का वर्ड क्या है? ऐप कभी भी गलत नहीं होता, आप नहीं लगा सकते। वो समझते हैं कि डांस अगर चल रहा है तो डांस पर इसको फाशी कंसीडर किया जाता है। सर मेरी बात सुने, ऐप गलत नहीं होता, इंसान गलत होता है, इस्तेमाल गलत होता है, इस्तेमाल गलत होता है, मानते हो? जी मैं इस चीज को मानती हूँ, और इस्तेमाल गलत होता था पहले, लेकिन अब नहीं होता। अब इस चीज में आप ये वर्ड यूज नहीं कर सकते कि फाशी। टिकटॉक पे आप वीडियो बनाओ, आपका कंधा भी नजर आए तो वो उस चीज को खत्म कर लेते हैं, आपका 7 दिन 10 दिन 30 दिन बैन हो जाता है। मतलब ये है कि आप एक चीज से और भी एग्री करेंगे कि फिर जब से ये कैमरा और मोबाइल फोन आया जी, उस वक्त से ये फसाद बरपा हुआ, ये मानते हैं आप? हम इस दुनिया में आए, मेरे ख्याल से तब से फसाद शुरू हो गया। ये तो हम इस दुनिया में आए हैं ना, तो तब से इंसान जो है ना, गलतियों का पुतला ऐसा है, इंसान गलतियों का पुतला है, गलतियों से इंसान को सीखना चाहिए। सीखते हैं हम लोग, हम लोग सीख रहे हैं, हम लोग यंग है, माशाल्लाह आगे लाइफ और भी हम लोग कर रहे हैं सब कुछ कर रहे हैं, तो कर रहे हैं। चले, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जेरी। संदल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आदिल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये वो बहस थी जो कि इस वक्त माशर्ती हर घर की बात है, मैं सिर्फ माशरे की किसी एक खास सेगमेंट की बात नहीं कर रहा, ये आपके और मेरे घर की भी बात है। और 24 घंटे अगर आप देखें तो बच्चों के हाथ में मोबाइल, इवन आप अपने घर के अंदर मौजूद होते हुए अपनों से दूर हो चुके हैं, उसकी वजह यह है कि आपकी सोशल एप्लीकेशंस, सोशल मीडिया, और आप उसमें मगन हैं। ये बात इस वक्त तयशुदा है कि इस वक्त आपकी जो स्क्रीन्स हैं वो कन्वर्ट होकर आपके मोबाइल फ़ोन आपके हाथ में आ चुकी हैं, बहुत कुछ है उसमें, पॉजिटिव भी है उसमें, नेगेटिव भी है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसमें से क्या अप्रिशिएट करते हैं, क्या देखना चाहते हैं, और ये इस्तेमाल करने वाले पे मुनासिर है कि वो उसको किस अंदाज़ में इस्तेमाल कर रहा है। मैं चाहूँगा आपसे इजाज़त, अल्लाह नेकबान।